हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की चर्चाएं हो रही है वो विषय है बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा। और जब से रिजल्ट पब्लिश हुआ है साथियों, पूरी तरह से ये बात अब सिद्ध हो गई है कि रिजल्ट में बिल्कुल घोटाला सा सिद्ध है। घोटाला सा प्रतीत होता है कि पूरा रिजल्ट कहीं ना कहीं घोर मट्ठा कर दिया गया है। लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं और लगभग 4-5 दिनों से जितने भी परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, चाहे शिक्षक बहाली को लेकर जो पास किए हैं या किन्हीं कारण से उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो फेल कर गए हैं, तो सभी लोगों की एक ही समस्या है कि रिजल्ट किस प्रकार से बनाया गया है। साथियों, कल कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे परीक्षार्थियों का कॉल मैसेज आया था। उनका ये कहना था कि जो लोग ऐसे ऐसे लोग ने काउंसलिंग कराया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जो लोग 2011 और 2019 में जो स्टेट हुआ और उसके बाद उन लोगों ने बीटेक, बीसीए या एमसीए अन्य जो कंप्यूटर संबंधित जो डिग्री है उनको प्राप्त किया है साथियों, तो कुल मिलाकर अगर इस तरह की चीजें हैं, अगर हुई है, तो बहुत सारे परीक्षार्थी जो है इसके संबंधित रिगार्डिंग विभाग, शिक्षा विभाग और बीपीएससी को भी उन्होंने पत्र लिखा है अपने आवेदन के माध्यम से, और ये बताने का प्रयास किया है कि फर्जी अभ्यर्थियों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, काउंसलिंग हुआ और उनका जो है ट्रेनिंग की जो बात है वो चल रही है। कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका उतना ही मार्क्स आया परंतु उतना उसका रिजल्ट नहीं हुआ और उसी कैटेगरी का किसी दूसरे परीक्षार्थी का रिजल्ट हुआ। बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं मोतिहारी पश्चिम चंपारण के सेंटर को जो अलॉट किया है, डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें ये है कि लगभग 100-125 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनका रोल नंबर सीरियल वाइज है और सबको पश्चिम चंपारण अलॉट हुआ है। बहुत सारी समस्या है, समस्याओं का अंबार सा जब से रिजल्ट पब्लिश हुआ है समस्याओं का अंबार सा लगा है। और पूरी दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ये निश्चित रूप से बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। और जो सीट का जो आंकड़ा है वो 1,22,324 बता रहे हैं। आप ही जैसे समझ लीजिए कि नियोजित शिक्षकों की संख्या अगर है तो 40-45 हजार है। अदर स्टेट से आने वालों की भी संख्या लगभग 15-20 हजार है। अदर स्टेट के साथ साथ आप नियोजित शिक्षकों के लिए कोई दूसरा रास्ता है। आपने ये कहा कि उनको राजकर्मी का दर्जा देने की जो बात है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली एक अलग से नियमावली बनाए, क्योंकि 3 बार वो बैठेंगे, अगर पास कर जाते हैं तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनको इस परीक्षा में बैठाया गया। तो सीधी सीधी बात है, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आप नियोजित शिक्षकों को इस आंकड़ों से हटाकर तब बात करेंगे और उनके लिए कोई दूसरा रास्ता विकल्प ढूंढे। और लगातार इस बात, कल भी एक चिट्ठी जारी हुआ कि 2 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटेंगे और 25,000 शिक्षकों के साथ। तो ये बातें हैं, बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये आपाधापी का जो दौर चला शिक्षा विभाग और बीपीएससी में, क्यों रिजल्ट में इतनी गड़बड़ी क्यों हुई? आप लगातार बात कर रहे थे कि हम लोग की 2 महीना से की तैयारी चल रही है, रिजल्ट निकाला जाएगा और बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पीआरटी के मामले में कि उनकी जो पात्रता है वो बीएड ना होकर डीएलएड रहेगी, तो कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका बीएड किया हुआ है और उनका रिजल्ट आया है। तो हम लोग की मांग तो हमेशा से रही है कि अगर आपके वो मेरिटोरियस हैं, अगर रिजल्ट आ गया तो सब बीएड वालों का रिजल्ट दीजिए। तो बीएड वालों का रिजल्ट रोक कर अब कुछ लोगों का आप रिजल्ट दिए और वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्र से भी जाहिर होता है कि कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनको स्पेलिंग तक लिखने नहीं आती, जिनको आधार नंबर तक लिखने नहीं आता, तो आप कैसे बीपीएससी सिद्ध करेगी कि वही परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा में बैठे और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं और ट्रेनिंग में भी जाएंगे, यानी उनकी नियुक्ति होने वाली है। तो किस तरह की व्यवस्था के तहत इस तरह का रिजल्ट निकाला गया, तो क्या जो मेरिटोरियस छात्र हैं उनके मन में इस तरह का संदेह नहीं होगा क्या कि आपने जो रिजल्ट निकाला उनका रिजल्ट नहीं होगा? कुछ ऐसे परीक्षार्थी हुए हैं जिनको कुछ नहीं आता है, उनका रिजल्ट हो गया। तो इस तरह की चीजों पर बिल्कुल संज्ञान लेने की जरूरत है बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को। और दोनों ने, हम लोगों ने लगातार अपने आवेदन के माध्यम से और सूचित भी किया, 7 सूत्री मांगों को हमने ज्ञापन भी सौंपा है, और तब मिलाकर अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग आखिर करना क्या चाहती है। इतनी हड़बड़ी किस बात की है? आपने कहा कि हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो ठीक है, आप 9th-10th का जो 10+2 पीजीटी का रिजल्ट आया उसमें से सब चीजों को वेरीफाई कर लेते। आप कई ऐसे मामले हैं जो किसी का पीजीटी में भी रिजल्ट है, टीआरडी में भी रिजल्ट है, टीजीटी में भी रिजल्ट है, तो सारी चीजों पर आप किस तरह की चीजें कर सकते हैं? अतुल प्रसाद जी तो हमेशा नोटिफिकेशन में जिक्र किए थे कि एक परीक्षार्थी को एक रिजल्ट, तो फिर कई ऐसे परीक्षार्थी जिनका 2-2 जगह 3-3 जगह रिजल्ट आ गया। तो इन सब चीजों पर आपने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और लगातार जो टाल मटोल का खेल चल रहा है, बीपीएससी के कहते हैं कि आप शिक्षा विभाग जाइए, शिक्षा विभाग कहते हैं कि बीपीएससी देखेगा, और आपाधापी में
हर जिलों में जिस तरह की चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, काउंसलिंग का काम चल रहा है, उसको ट्रेनिंग का नियुक्ति पत्र भी दिया गया, सब जगह ट्रेनिंग भी चल रहा है, शुरू है 30 तक ट्रेनिंग कराना है सबको, इस तरह की चीजों से बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था की जो बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि बिहार में पटरी पर शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, तो जब इस तरह की नियुक्ति वो भी बीपीएससी के द्वारा माध्यम से हो तो क्या लगता है कि बेरोजगार लगभग जो मिलिट्री स्टूडेंट है उनकी नौकरी कहां जाएगी, उनको नौकरी मिला ही नहीं। और आंकड़ों की बाजीगरी में जो है 1,22,324 जो दिखा रहा है उसे सीधे सीधे नियोजित शिक्षकों की संख्या 45,000 हटा दीजिए उसमें से, और कई ऐसे परीक्षार्थी है जिनका दो दो जगह तीन तीन जगह रिजल्ट आया है, और कई ऐसे जो सीटेड फेल है, तो इन सब चीजों पर आप किस तरह के संज्ञान लेते हैं। तो मेरा यही मानना है कि लगातार हम लोगों ने ये उम्मीद किया कि बीपीएससी करेगी, परंतु अगर कल तक कोई संज्ञान मामला नहीं आता है तो जल्द से जल्द हम लोग एक बड़ी आंदोलन की तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से सरकार को समक्ष अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद।